आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने बनाया सुपर टीम। ललन सिंह को किया लिस्ट से बाहर, तो आखिर कौन कौन लिस्ट में शामिल। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आते हैं। सुबह सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी मुजफ्फरपुर, कभी नालंदा, तो कभी पूर्णिया के लिए रवाना हो जाते हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं और अब नीतीश कुमार ने अपना सुपर टीम तैयार किया है। तो आखिरकार इस सुपर टीम के लिस्ट में कौन कौन शामिल है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जेडीयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का कार्य विभाजन किया है। इसको लेकर पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज भी जारी की है। जारी लिस्ट के अनुसार सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वहीं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी है। बता दें कि सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 23 नेताओं को जगह मिली है, लेकिन ललन सिंह को जगह नहीं मिल पाई है। जेडीयू की कमान फिर से संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार अपनी पार्टी नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सिक्का चलने के बाद जेडीयू देश भर में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू ने ऐलान किया था कि वो एनडीए गठबंधन में झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं झारखंड चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात करने वाली जेडीयू अब अपने फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। बता दें कि जेडीयू नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने सौंपी है। बता दें कि जदयू ने कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं हाल के दिनों में जेडीयू की सदस्यता लेने वाले मनीष कुमार वर्मा को नीतीश कुमार ने दो राज्यों का प्रभार दिया है और कर्नाटक का प्रभारी बनाया है। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार ने दिल्ली प्रभारी बनाया है। बिहार सरकार के मंत्री और अपने सबसे करीबी नेताओं में से एक श्रवण कुमार को सीएम नीतीश ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के कुल 23 नेताओं को विभिन्न राज्यों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें, नीतीश कुमार ने नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी पार्टी के सांसद रामप्रीत मंडल को बनाया है, तो वहीं कहकशा परवीन को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया है। तो देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष हैं और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने अपनी एक सुपर टीम भी बनाई है और अलग अलग राज्यों का प्रभारी जो है वो अपने करीबी नेताओं को बनाया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन जिम्मेदारियों में ललन सिंह को एक भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फोनेशन।